15 अगस्त को पतंगे भी खूब उड़ी और कहीं ना कहीं सड़कों पर मांझा भी खूब बिखरा, लेकिन कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसमें इस चाइनीज मांझे ने कई लोगों को घायल भी कर लिया। सिर्फ लोगों को ही नहीं, कई बच्चे भी इसमें इंजर्ड हुए। दिल्ली के तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें आई। बहरहाल, तमाम जो एक तरह से कहा जाए सरकारी दावे थे कि चाइनीज मांझे को बैन कर दिया गया है, स्ट्रिक्टनेस रखी जा रही है, लेकिन ये सब हवा हवाई बातें ही लगी, क्योंकि खूब लोगों ने पतंगबाजी की और कई ऐसे भी लोग थे जिन्होंने चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया। इसी वजह से कई जगह पर जो है वो इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को भी आए। एक और इंसिडेंट सामने आया जिसमें मेट्रो ट्रेन को भी जो है वो रोकना पड़ा, क्योंकि वहाँ चाइनीज मांझा इतना ज़्यादा था, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आई। तो फिलहाल, हालांकि 15 अगस्त चूंकि साल बाद ही आएगा, तो ऐसे में देखना यही होगा कि सरकार क्या वाकई इसको लेकर कोई रणनीति तैयार करती है फिर नहीं, क्योंकि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते रहे तो जाहिर तौर पर ये कोई ऐसी भी घटना हो जाएगी जिसमें एक आध लोगों की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे में स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है, जो लॉ है उसको ढंग से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो चाइनीज़ मांझा जो लोग बेचते हैं उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हो सके।